फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस थर्मोडायनेमिक्स। लाइक यस्टरडे आई हैव स्टार्टेड थर्मोडायनेमिक्स, ओके? सो दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वन इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू गिव यू दैट टुडे सेशन इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल शॉर्ट बिकॉज ऑफ सडन वर्क आई हैव टू गो आउटसाइड। सो दैट इज व्हाई आई विल जस्ट टेक लाइक 2 to 3 minute, ओके, सेशन। बट डोंट थिंक दैट दिस सेशन इज नॉट गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज directly question asked from this session, right? So write down the heading, types of properties, types of properties, types of properties of two type. First is extensive property, another one is intensive property. What is extensive property, student? Extensive property is which depend upon mass and size, right? Intensive don't depend upon mass and size, ठीक है? Extensive property, जो property depend करती है किस पे, mass पे और size पे, उसको extensive property कहते हैं। Intensive property वो होती है जो कि mass और size पे depend नहीं करती है, वो हमारी intensive property हो गई, ठीक है? अच्छा, next feature क्या है extensive property का, कि ये additive होती है, additive in nature मतलब कोई चीज add होती है, right? एड होकर बनी होती है, इसीलिए कहते हैं एडिटिव इन नेचर। लाइक 2-3 फैक्टर्स एड होते हैं और फिर बनते हैं, उसको हम लोग एडिटिव इन नेचर कहते हैं। इसमें क्या होता है, नॉट एडिटिव इन नेचर, ओके? सो एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है आपसे, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, डेफिनेशन से भी पूछ लेता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, लाइक वेदर इट डिपेंड अपॉन मास साइज और नॉट, राइट? एंड इट्स एडिटिव इन नेचर और नॉट, लाइक सम टाइप असर्शन एंड स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? सो दैट इज वाई दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी। डोंट थिंक दैट इट इज अ स्मॉल एंड आई एम गोइंग टू टेक ओनली 4 to 5 minute सेशन, सो दिस टॉपिक इज नॉट टू बी लाइक important for exam, okay. So let's see some of their example, then it will be more clear, because directly in examination they'll ask questions. Kaise puchta hai, which of the following is an extensive property? ऑप्शन दे देगा आपको ए बी सी एंड डी, ठीक है? इसीलिए हमें पता होना जरूरी है कि एक्सटेंसिव क्या होते हैं, इंटेंसिव क्या होते हैं, ठीक है? तो पहला इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला मैंने बोल दिया कि ये मास पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली मास भी एक फैक्टर है, राइट? मास हो गया। सेकेंड है एंट्रोपी, एंट्रोपी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड टोटल इंटरनल एनर्जी, राइट? फोर्थ गिब्स फ्री एनर्जी, जी, ठीक है? अब देखिए टोटल है मतलब टोटल का क्या होता है, जब 2-3 फैक्टर्स कंबाइन होते हैं तभी तो कोई चीज टोटल होती है। गिब्स में भी यही होता है, डेल एच इज इक्वल्स टू, राइट? तो गिब्स ये हो गया। फिफ्थ और क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, मास, एंट्रोपी, टोटल इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड टोटल हीट कैपेसिटी, ठीक है? और क्या हो सकता है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट एंथैल्पी है ना? तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है? क्या, मास, एंट्रोपी, टोटल इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, टोटल हीट कैपेसिटी एंड एंट्रोपी, ओके? ये याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
फिर हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देखते हैं. ओके ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स. इंटेंसिव प्रॉपर्टी के क्या क्या एग्जांपल है? पहला बोल दिया हमने कि ये साइज पे डिपेंड या मास पे डिपेंड नहीं करता, तो होगा ही नहीं. चलिए नेक्स्ट, इट्स कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और क्या क्या हो जाएगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन और क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, और क्या हो सकता है, और एग्जांपल्स बताइए, मोलर, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है. तो ये सारे हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हो गए. तो एग्जाम में आपको ऐसे ही इन्हीं में से कुछ दे देगा, आपको फैक्टर्स पैरामीटर्स दे देगा, बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सो इन दैट वे दे कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट. In previous PGT examination, I have seen this type of question. That is why I am emphasizing more. I am emphasizing more on this, right? So, just you write down everything. And I hope you like this video. If you really like this video, please subscribe my channel and like share with your friends. Thank you. Bye-bye.